अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यू आर वाचिंग सना हेल्दी लाइफ। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो ईद उल अज़हा के पेश नज़र है। हम बना रहे हैं मटन पाया। हमने लिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल और हमने लिए हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज, जिसमें हमने साबुत गर्म मसाला ऐड किया है, जिसमें है 2 अदद लौंग, 5 से 6 अदद ब्लैक पेपर कॉर्न, 1 अदद भरी इलायची और 1/2 जवा इसमें हमने ऐड किया है फ्रेश गार्लिक। और हम इसे सौते करेंगे। प्याज और लहसुन को तब तक इस ऑयल में सौते करेंगे जब तक कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। इसके गोल्डन होने के बाद इसने अपने जो है मटन के पाए को ऐड कर दिया है और हम इसमें पानी भी ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें जो है अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये है हल्दी पाउडर जो कि हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून। सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं जी 1 टीस्पून। आप हंसते जायका कम या ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। अब हम ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर जो कि है 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून। सूखा धनिया पाउडर हम ऐड कर रहे हैं जी 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हम ऐड कर रहे हैं जिंजर पाउडर। आप चाहे तो आप फ्रेश जिंजर भी डाल सकते हैं, उसका पानी भी यूज़ कर सकते हैं अदरक का। अब जिस सब इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड कर दिए हैं, अब हम इसमें जो है टाइमर लगाएंगे अबाउट 30 मिनट्स के लिए। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे जो मटन पाए पककर रेडी हो गए हैं, जिसमें हमने लास्ट में जो है ऐड किया था सिर्फ क्यूमिन और बाकी तमाम वही इंग्रेडिएंट्स थे। और इसे तकरीबन हमने 1 घंटे का टाइमर लगाया था। तो नाउ इट्स डन एंड इट्स रेडी टू सर्व। हम इसे सर्व करेंगे रोगनी नान के साथ। डू ट्राई दिस रेसिपी एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। स्टे हेल्दी विद सना हेल्दी लाइफ। रब रखा।